वेलकम टू द बेटर पाकिस्तान। जी नाज़रीन, आज एक बार फिर हम मौजूद हैं लाहौर में और आज का हमारा व्लॉग है लाहौर की तारीखी जामिया मस्जिद, मस्जिद वज़ीर खान से मुतलिक। इस वक्त हम मस्जिद वज़ीर खान के मरकज़ी दरवाज़ा के बाहर मौजूद हैं और आप मरकज़ी दरवाज़ा के अतराफ में मौजूद मुगलिया तर्ज तामीर के इस शाहकार को देख रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि आज के इस व्लॉग में एक तो हम आपको मस्जिद की तमाम एरियाज़ का विज़िट कराएंगे और इस शानदार तर्ज तामीर को दिखाएंगे, तो साथ साथ हम आपको मस्जिद वज़ीर खान से मुतलिक जो दास्तान है वो भी सुनाएंगे। वज़ीर खान के मुतलिक बताएंगे कि वज़ीर खान कौन था और उसको वज़ीर खान का लकब किसने दिया, और साथ साथ जहाँ पर मौजूद सैयद मोहम्मद इसहाक जिनको मीरा बादशाह भी कहते हैं उनका मज़ार भी दिखाएंगे, और एक दिलचस्प कहानी जो इस मस्जिद से मनसूब है महाराजा रंजीत सिंह और मोरा माई के सुहागरात से मुतलक वो भी बताएंगे। तो साथ रहिएगा, आइए हम मस्जिद के अंदर चलते हैं। इस वक्त हम मस्जिद के मरकज़ी गेट से अंदर आ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हम मस्जिद के सहन में मौजूद हैं। मस्जिद के चार मीनार हैं और इन्हीं मीनारों से मनसूब एक इंटरेस्टिंग जो है वो कहानी हम आपको बताते चलें। कहा जाता है कि अमृतसर की एक तवायफ मोरा पे महाराजा रंजीत सिंह आशिक हो गया था और मोरा से शादी के बाद महाराजा रंजीत सिंह ने इन चार मीनारों में से किसी एक मीनार पर सुहाग रात मनाई थी। तो यह कहानी भी इस मस्जिद से मनसूब है। हम आपको साथ साथ ये भी बताते चलें, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मस्जिद का सहन काफ़ी वसी है और मुगलिया तर्ज तामीर का एक शानदार नमूना है। मस्जिद वज़ीर खान को मस्जिद वज़ीर खान क्यों कहा जाता है? वज़ीर खान कौन था? वज़ीर खान जो कि शाहजहां बादशाह का वज़ीर था और उसी ने इस शानदार मस्जिद मस्जिद वज़ीर खान को तामीर करवाया। इसके साथ साथ जो वज़ीराबाद है गुजरात और गुजरांवाला के दरमियान में एक शहर, वो भी वज़ीर खान ने ही तामीर करवाया था, जिसकी वजह से उसको आज भी वज़ीराबाद कहते हैं। जी आपको ये सामने जो नज़र आ रहा है चबूतरा, ये सैयद मोहम्मद इसहाक अल मारूफ मीरा बादशाह का मज़ार है। हम अभी आपको उनकी जो कब्र है वो भी दिखाएंगे, लेकिन आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि सैयद मोहम्मद इसहाक मस्जिद वज़ीरिस्तान की तामीर से पहले उनका मज़ार यहाँ पर मौजूद था। मस्जिद वज़ीर खान की जो तामीर है वो 1634 में शुरू हुई और 1641 में ये मुकम्मल हुई, यानी कि इसकी तामीर पे 7 साल लगे। जी ये आप कब्र मुबारक देख रहे हैं, ये कब्र नहीं है, ये एक तावीज़ बनाया गया, एक निशानी बनाई गई है सैयद मोहम्मद इसहाक की मज़ार कब्र की। तो जब इस मस्जिद को तामीर किया गया तो वज़ीर खान ने जो मज़ार था उसको तहाने में महफूज कर लिया। अभी हम आपको ज़रा नीचे जाके दिखाते हैं, 10-12 सीढ़ियाँ नीचे उतर के जो असल कब्र है वो मौजूद है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी काशी कारी गई है और ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ नीचे उतर के तो सैयद मोहम्मद इसहाक का असल कब्र मौजूद है। जी ये मस्जिद के अगर आप देखें तो ये मस्जिद के अंदर जो सहन के बाद जो बरामदे या अंदरूनी हिस्सा है उसके दरवाज़े हैं, 5 दरवाज़े हैं, 5 दरवाज़ों के ऊपर गुंबद मौजूद हैं और टोटल 4 मीनार मौजूद हैं। वज़ीर खान जिनका ताल्लुक चिन्योट से था और आपका शोबा हिकमत था, आलम इंसारी आपका नाम था और आप चिन्योट छोड़ के शाहजहाँ के दरबार पर गए, वहाँ तबीब बने
और उनके बाद मुमताज़ बेगम अलील हुई और किसी हकीम से इलाज नहीं हो पाया। उसके बाद उनका इलाज करने किया और वो जब सेहतयाब हो गई तो उसके इनाम के तौर पर शाहजहां ने इनको वज़ीर खान का लकब दिया और उसके बाद पंजाब के गवर्नर बनाए गए। ये मीनार का रास्ता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मस्जिद के अंदर उम्दा काशीकारी की गई है, जिसमें रस्मुलहात, आयात और दूसरी इबारात भी नक्श की गई हैं। बहुत ही खूबसूरत काम, जैसे कि आप देख सकते हैं दरवाज़ों के दोनों तरफ, जहाँ पर ऐसे पांच दरवाज़े हैं तो दरवाज़ों के दोनों तरफ और ऊपर छत पे भी बहुत ही ज़बरदस्त काशीकारी की गई है। मुग़ल जो दौर था वहाँ, उस दौर में यहाँ पर बहुत सी तारीखी इमारत जो हैं वो तामीर कराई गई और उस पर ये काशीकारी का अंसर आपको नुमाया नज़र आएगा। काशीकारी की इब्तिदा ईरान के शहर काशान से हुई, लेकिन वो ज़्यादा जो है वो नीले या ब्लू कलर में काशीकारी करते थे, इसीलिए इसको काशीकारी कहते हैं। लेकिन जब हिंदुस्तान और काशान की फ़न तामीर आपस में जुड़ा तो उसने एक मुनफरद, जहाँ हिंदुस्तान के अंदर बरसग़ीर के अंदर इसका रंग निखारा, जिसको आप मुगलिया दौर के नाम से भी मंसूब कर सकते हैं। जैसे कि आप इस मस्जिद को देख सकते हैं, आज से तकरीबन 400 साल पहले बनाई गई ये मस्जिद और फ़न तामीर का ये शाहकार। अभी हम मरकज़ी जो गुंबद है या मरकज़ी दरवाज़ा उस पे हैं, तो अभी आप देखें कि कितनी खूबसूरती और नफासत से काम किया गया है, और ख़ासकर जो है इसमें आज से 400 साल पहले के जो माहरीन थे उन्होंने कितनी नफासत से नक्श व नगार बनाए हैं और आयात और दूसरी इबारात जो है वो यहाँ पर लिखी गई हैं। ये जो है गुंबद, मरकज़ वाला गुंबद है जिसके नीचे जाली लगाकर उसको कवर किया गया है, बाकी चार गुंबद जो हैं वो ओपन हैं। और उसके अंदर आपको यहाँ जब आएंगे लाहौर विज़िट करेंगे तो आपको फ़ने खताती और काशिकारी का शानदार काम नज़र आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मरकज़ के साथ वाला गुंबद, ऐसे पांच गुंबद हैं। मरकज़ का गुंबद बड़ा है और चार छोटे गुंबद हैं, और पांचों के आगे दरवाज़े हैं जो मस्जिद के अंदर से मस्जिद के सेन में खुलते हैं। बहुत ही खूबसूरत और शानदार ये मस्जिद, जो तारीखी होने के साथ साथ एक फ़न खताती और मुगलिया तर्ज तामीर का अज़ीम शाहकार है। ये मस्जिद की जो है वो मेहराब है, जहाँ इमाम इमामत करवाते हैं। तो मैंने जैसे कि आपसे अभी अर्ज़ किया, आपको बताया कि वज़ीर खान जो
पेशे के अतबार से हकीम थे, चिनियोट के रहने वाले थे और फिर शाहजहाँ के महल तक पहुँचे। शाहजहाँ बादशाह तक रसाई हुई और वहाँ से गवर्नर लाहौर नामज़द हुए। वज़ीर ख़ान ने इस मस्जिद को, इस अजीम शाहकार को तामीर करवाया। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। शुक्रिया।